आप चूंकि विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, तो आप इस मुद्दे को किस तरह देख रहे हैं? अपना फ्रैक्चर कंट्रोल पर शांति बनी रहे जी, इसके लिए हर सरकारों ने प्रयास किया है जी, और उसका एक पूरा कई एग्रीमेंट है जी, जो उस पूरे ढांचे को एक रूप देते हैं जी। ये परिस्थिति होगी तो क्या होगा, ये परिस्थिति होगी तो, हर परिस्थिति की कल्पना करके जी उसमें इंतजाम किया हुआ है जी। कि मान लीजिए कि चलते चलते दोनों देशों की फौज की टुकड़ियां आमने सामने आ जाती हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? अगर दावा कोई ठोक देता है किसी दूसरे के ऊपर, तो उसमें क्या होना चाहिए जी? इन सब का इंतजाम, जैसा मैंने कहा जी, इन एग्रीमेंट्स में किया हुआ है, और इसीलिए 1975 से आज तक कोई जी घटनाएं घटी जी, चीन बड़ा आया लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ जी। तो इस बार जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि चीन पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया है जी। चीन जो है उन पुराने समझौतों पर अब अमल नहीं कर रहा है जी, और चीन एक मनमाने ढंग से तय कर रहा है कि उसकी देश, उसके देश की सीमा कहाँ है जी। जैसे गलवान वैली है जी, लद्दाख जी, तो गलवान वैली के ऊपर चीन का कभी कब्जा नहीं रहा 1962 के बाद से। 1962 में हमारी फौज ने उस पूरे इलाके को डिफेंड किया था जी, चीन का आक्रमण हुआ था, उसको हम लोगों ने हराया था वहाँ पर जी, और तब से हमारे कब्जे में है जी। और इतने दशकों में चीन ने कभी इसके ऊपर अपना कब्जा जी क्लेम भी नहीं किया जी। अब अचानक वो कह रहे हैं कि नहीं, गलवान वैली हमारा है जी, और तुम हमारी टेरिटरी में घुस आए हो जी, जबकि ये बिल्कुल गलत क्लेम है जी। तो फिर भी चीन के साथ बातचीत होती रही हर लेवल पर जी, और ये घटना जो घटी है जी, ये घटना क्यों घटी जी? इसलिए घटी कि चीन ने कहा कि हम थोड़ा पीछे हटते हैं, तुम भी थोड़ा पीछे हटो जी। तो अब कौन कितने पीछे हटा इसकी जानकारी नहीं है जी, लेकिन अखबारों में जो खबर आई मीडिया में जी, वो ये था कि 1 से 2 किलोमीटर चीन पीछे हट गया जी। और उसी को वेरीफाई करने के लिए हमारे, हमारी सेना का पेट्रोल गया था जी, पेट्रोल पार्टी गई थी जी, जिसके ऊपर इन लोगों ने अटैक कर दिया जी परसों रात को जी, और उसके बाद ये घटना घटी जी। तो इस पूरे घटना की जिम्मेदारी चीन के ऊपर है जी, क्योंकि चीन ने जी एक तो समझौतों को नहीं माना जी, और उसके बाद उसने हमारी पेट्रोल पार्टी के ऊपर अटैक कर जी जी जी। सर, भारत के पास सामने क्या विकल्प है अब? यदि भारत के सामने भाई विकल्प नहीं, भारत को के सामने जो फैसला करना है वो बिल्कुल साफ शब्दों में जी दो बातों पर फैसला करना है जी, कि चीन जो हमारी, हमारे इलाके में घुसा है जी, वहाँ से चीन वापिस जाए जी, और चीन जो है वो बराबर स्टेटस को बदलने की कोशिश करता है जी, यहाँ पर भी बदल दिया है, पैंगोंग लेक में भी बदल दिया है जी, डोकलम में भी बदल दिया है जी। तो इसलिए एक तो ये बिल्कुल साफ शब्दों में भारत सरकार कहना चाहिए कि भाई स्टेटस को एंटी जैसे पहले था जी, उसको रेस्क्योर करो जी। अगर चीन नहीं मानता है जी, तो फिर भारत सरकार को कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र से वो मानना चाहिए जी जी जी। हाँ, किसी भी हालत में भारत की सीमा के भीतर जी चीन की फौज घुस के बैठ जाए जी, ये हमको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए जी जी जी। बातचीत हो जी, सब कुछ हो जी, लेकिन 1962 नहीं, हमको याद रखना है 1967 नाथुला जी, जहाँ हम लोगों ने सचमुच में मुंहतोड़ जवाब दिया था जी, और चीनी सफेद झंडा लेकर आ गए जी जी जी। सर, कूटनीतिक स्तर पे क्या इसे पिछले 6 सालों में विफलता है, क्योंकि अब नेपाल के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, चीन पाकिस्तान, इसको आप कैसे देखेंगे कूटनीतिक स्तर पे? पाकिस्तान के साथ तो बराबर से खराब थे, सरकार के आने के बाद पे जी कुछ ज्यादा ही खराब हो गए जी 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 जी। हाँ, अटल जी की सरकार में आपको याद होगा जी कि जब हम विदेश मंत्री थे उस समय LOC पर सीज फायर बिल्कुल मेंटेन किया जाए
जी सियाचिन में भी सीजफायर मेंटेन किया जाए, इस जी पर समझौता हुआ, कई वर्षों तक चला। जी फिर पाकिस्तान ने समझौते को तोड़ा जी, और अब तो कोई सीजफायर नाम की चीज ही नहीं। जी 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 तो पाकिस्तान के साथ तो खराब रिश्ते हैं, हम बात भी नहीं कर रहे हैं। जी जी नेपाल के साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगा। जी नेपाल हमारा छोटा पड़ोसी देश है जी, जैसा राजनाथ सिंह ने कहा रोटी बेटी का संबंध है जी, तो उसके साथ तो हमको बातचीत करनी चाहिए थी जी। इतने महीनों तक भारत ने नेपाल के साथ क्यों नहीं बातचीत की जी, ये बात मेरी समझ के परे है। जी 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 इसलिए चूंकि नेपाल को तो एक विकल्प है ना कि वो चीन की गोद में जाकर बैठ सकता है जी, और हम इस बात को जानते थे जी बराबर, तो उससे हमको नेपाल को बचाना है जी, तो इसलिए भारत को पहल करनी चाहिए थी जी। और नेपाल से जो संबंध बिगड़े हैं जी वो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आप से भी संबंध बिगड़े हैं जी, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। सर आप वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, खबरें आ रही हैं कि चीन के को चीनी कंपनियों को जो टेंडर दिए गए हैं उसको रद्द किया जा सकता है, आर्थिक मोर्चे पे लड़ाई लड़ी जा सकती है चीन को सबक सिखाने को, तो क्या आप मानते हैं कि जी सब मोर्चे पर चीन अगर हमारी भूमि खाली नहीं करता है जी तो भारत को सारे विकल्प खुले रहते हैं। जी जी सर, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा जैसा कुछ भी अपनाना चाहिए भारत को? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक भारत नहीं कर सकता है चीन के खिलाफ जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। जी।